हुसैन हकानी जो भूतपूर्व पाकिस्तानी राजनयिक रहे हैं और एक बहुत बड़े नामी स्कॉलर हैं, उनका कहना है कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का एक ख्वाब देखा, एक सपना देखा, तो उनके पास पाकिस्तान की कोई आइडियोलॉजी, कोई सिस्टम उनके दिमाग में नहीं था, और ये बंटवारे तक उनके पास कोई सिस्टम नहीं था। पाकिस्तान की तथाकथित आइडियोलॉजी जिन्ना के इंतकाल के बाद आई, लेकिन उससे पाकिस्तान को फायदा और नुकसान ये हुआ कि आज पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो फिर से मुंह खोल के खड़ी हो चुकी है। इन्फ्लेशन पिछले हफ्ते 31% था, हल्की वस्तुओं पे 31% था, बाकी कई वस्तुओं पे उससे ऊपर भी इन्फ्लेशन उनका चल रहा है। आटे को लेके लड़ रहे हैं आपस में, आटे की कमी हो चुकी है, तेल की कमी रही है, IMF के पास जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर का राग अलापते रहते हैं, तालिबान से भी कुछ उनके संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री विवेक काटजू, जो फॉर्मर सेक्रेटरी वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और भारत के राजदूत रह चुके हैं म्यांमार और अफगानिस्तान में। संवाद में आपका स्वागत है काटजू साहब। धन्यवाद। सर, जैसे मैंने कहा सर कि पाकिस्तान के पास सर IMF को ये 1958 से 23rd IMF के प्रोग्राम में एंटर कर रहा है पाकिस्तान। फाइनल नहीं हुआ है लेकिन उसी स्टेज पे है, किसी भी दिन एंटर करेंगे। ये 13th बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इनकी 1988 से है, डिफॉल्ट करने के कगार पे हैं। इनकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 4.3 बिलियन के डॉलर्स के आसपास है, जो कि 20 से 21 दिन के इम्पोर्ट भर के लिए सफिशियंट है, उससे ऊपर के लिए नहीं। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सपना देखा पाकिस्तान का, वो सपना कितना साकार होता आपको दिख रहा है सर? और दूसरा कि ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता है कि ये यूक्रेन की युद्ध को लेकर के क्राइसिस आई है या कोरोना की क्राइसिस आई है, क्योंकि IMF में 23वीं बार जाना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का 13वां क्राइसिस, ये सिर्फ उन वजहों से नहीं हो सकता है। देखिए, एक शब्द तो मैं कहूं, मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब क्या था। कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं, पाकिस्तानी स्कॉलर्स मानते हैं कि जिन्ना जो थे वो अंत में एक सेकुलर देश चाहते थे। उनकी एक बड़ी मशहूर स्पीच है 11 अगस्त 1947 की, जिसको कई बार कोट किया जाता है। लेकिन अगर आप इश्तियाक अहमद जैसे स्कॉलर को देखें, जिसने जिन्हा की पूरी पब्लिक प्रोनाउंसमेंट्स बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करी है, मैं उससे ये साफ जाहिर है कि जिन्हा एक इस्लामी स्टेट चाहते थे, इस्लामी राज्य चाहते थे, उनको सेकुलरिज्म से वास्ता नहीं था। हाँ, उस वक्त वक्ती हालात ऐसे थे कि वो ये आश्वासन देना चाहते थे जो पाकिस्तान में हिंदू थे, सिख थे, कि उनका पलायन नहीं हो, क्योंकि बिल्कुल हालत चिरमराई हुई तो थी ही, तो एक स्टेबिलिटी चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक वो 11 अगस्त की स्पीच दी। लेकिन किस तरह की इस्लामी स्टेट बने, उसको उन्होंने कभी भी डिफाइन नहीं किया, क्योंकि अगर वो डिफाइन करते तो फिर आपस में फूट पड़ती। क्योंकि जैसे मुनीर कमीशन ने अहमदी राइट्स के बारे में बाद में कहा, 1954 में शायद, कि उन्होंने 72 या कितने इस्लामी स्कॉलर्स को इंटरव्यू किया और उसमें से एक ने भी दूसरे से सहमति नहीं जताई कि इस्लाम का अर्थ क्या है। दूसरे को वो हर ने दूसरे से दूसरे के बारे में कहा कि ये मुसलमान नहीं है, असल में मुसलमान मैं। तो एक तो जिन्हा की बात है। दूसरी चीज, आपने जो बात उठाई है वो बहुत ही गंभीर बात है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात। पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तो उसकी बुनियाद से रहे। पहले 1972 71 तक तो उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान जो था, जो अब बांग्लादेश है, उसको दुनिया जानती है कि एक किस्म से इकोनॉमिक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन जब बांग्लादेश बन चुका तो फिर हालात क्या थे ये भी सबको मालूम है। वो दौर आया जबकि भुट्टो ने बदलाव किया पाकिस्तान का और एक इस्लामिक सोशलिज्म की बात करने लगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो तब तक की अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल चरमरा सी गई। लेकिन इसके बावजूद अगर 1990 तक के ह्यूमन जो इंडिसीज हैं, ह्यूमन प्रोग्रेस के,
ह्यूमन डेवलपमेंट के HDI जो कहते हैं उनको, उन पर नजर आप डालें तो पाकिस्तान की भारत से बेहतर 1990 की दशक के बाद, यानी जब से हमने लिबरलाइजेशन किया और पाकिस्तान ने आतंकवाद का सहारा लिया हम पर अंकुश लगाने के लिए, तब तक उसके बाद पाकिस्तान के HDI गिरते ही जा रहे हैं और पाकिस्तान की इन 3 दशकों में जो हालात हुए हैं वो तो सबको सामने है। और आज पाकिस्तान का जो क्राइसिस है उसमें और पहले के क्राइसिस में एक बहुत बड़ा अंतर वो ये कि अब मुझे दिखता है कि जो पाकिस्तान के ट्रेडिशनल डोनर्स थे जैसे सऊदी अरेबिया, अमीरात, UAE, चीन तो थोड़ा है ही, अमरीका, वेस्ट, IMF, उनमें कुछ सबर की कमी आ रही है क्योंकि पाकिस्तान ने जिस पत्ते को हमेशा भुनवाया है वो ये कि उनके पास परमाणु हथियार और आबादी है आज के दिन तो कोई 23 करोड़ की, तो जैसे मैंने कई बार कहा कि नो वन वांट्स अ न्यूक्लियर सोमालिया, कि बिल्कुल, या नो वन वांट्स अ न्यूक्लियराइज्ड अफगानिस्तान लाइक कंट्री, कि परमाणु हथियार भी है और बिल्कुल अराजकता है। इसलिए पाकिस्तान को एक, अगर मैं मेडिकल एक्सप्रेशन यूज करूं तो एक ड्रिप पे रखा गया, वेंटिलेटर पे उनको चलाया। और लेकिन अब जो डोनर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारे भी हालात देखो, अब हम कब तक तुम्हें बचाएं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो UAE में मोहम्मद बिन जायद के पास बिल्कुल शहबाज शरीफ भीख मांगने गए और मोहम्मद बिन जायद ने $3 बिलियन दिए, 2 बिलियन का लोन तो एक उन्होंने रोल ओवर किया है और $1 बिलियन और दिया है। तो आपने जो कहा कि 3-4 हफ्ते का इंपोर्ट का पैसा बचा है पाकिस्तान के पास, अब उससे कुछ वो बढ़ जाएगा तो मैं, और IMF के साथ शहबाज शरीफ की जो बातचीत हो रही तो IMF साफ बड़ा टफ कंडीशन लेकर रहा है क्योंकि असल मुश्किल तो ये है कि कोई टैक्स देने को पाकिस्तान में तैयारी नहीं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो टैक्स नहीं देते हैं, जो बड़े जमींदार हैं वो टैक्स नहीं देते, फौज जो है वो सबसे बड़ी इकोनॉमिक एंटिटी है वो कितना टैक्स देती है नहीं देती है वो उसकी मनमानी पर। तो इसलिए एक दो किस्म की इकोनॉमीज है पाकिस्तान में, एक फॉर्मल इकोनॉमी जिसकी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन काफी खराब, और अगर इम्पोर्ट करने की चीज की जरूरत पड़ी जैसे कि इस बार फ्लड हो गया है और बहुत ही भयानक फ्लड हुआ पाकिस्तान में, उसके बाद खाने की कमी हो गई, पैदावार कम हो रहा है तो इम्पोर्ट करना है तो पैसे चाहिए, वो पैसे नहीं। दूसरी तरफ एक इनफॉर्मल इकोनॉमी है पाकिस्तान, वो इकोनॉमी अपनी तरह से चल रही, तो जब बाहर से कोई सामग्री मंगानी पड़ती है तो पाकिस्तान की हालत जामाटोल। लेकिन एक वो अंदर से, जैसे मैंने वो अफगानिस्तान में भी देखा कि हाँ मुश्किलात बहुत हो जाती है लेकिन वो किसी तरह वो चलाते रहते हैं, जीवन चलता है। हाँ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोअर होता जाता है, लोग बेचने लगते हैं अपने सामान, लेकिन फैमिन की नौबत नहीं आई, ना अफगानिस्तान में आई है आप देखें ना पाकिस्तान। आटे की लड़ाई हो रही क्योंकि अब वीट इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, पैसे कहाँ, यूक्रेन क्राइसिस की वजह से और वीट बाजार, इंटरनेशनल वीट बाजार में मुश्किल आ पड़ी। तो ये डिफरेंस है कि अब लोग पाकिस्तान के जो डोनर्स हैं ट्रेडिशनल वो उनसे कह रहे हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि भाई अब अपने घर को सुधार। सर तो क्या आप सर कहीं इसको मानेंगे सर कि जो पाकिस्तान के 50 अयूब खान के बाद से जो पॉलिटी आई सर, कि एक बहुत वीक सिविलियन लीडरशिप है और एक मिलिट्री लीडरशिप है, तो वीक सिविलियन लीडरशिप के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास उनको दी नहीं जाती है और जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं रही है, तो क्या ये एक कारण सर माना जा सकता है जो अर्थव्यवस्था जिस तरह से उनकी ध्वस्त होती जा रही है उसका? मुझे लगता है कि मिलिट्री लीडरशिप और सिविलियन जो लीडरशिप है
और एक प्रकार से जो एक उनका इकोनॉमिक एक सिस्टम है उसके जो लीडरान है, सब ने गैर जिम्मेदार, किसी ने भी एक जिम्मेदारी का प्रदर्शन नहीं किया। सर बहुत किसी ने ये नहीं, जी सर प्लीज जी बता नहीं आप नहीं, सर नहीं, आप बोल नहीं सर मैं ये कह रहा था कि कभी उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जनीवा में जो बाढ़ को फ्लड रिलीफ को लेकर के वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे जिसमें 8 बिलियन का शायद टारगेट रखा गया था। और ये बहुत विचित्र लगता है सर एक हम लोग जैसे ऑब्जर्वर्स को देखते हुए कि 10 बिलियन क्योंकि उनको वहां से मिल गया तो एक जैसे कि उनकी लीडरशिप जो है चाहे पॉलिटिकल हो चाहे मिलिट्री हो उसको एक अचीवमेंट मान रही है। तो ये कहीं ना कहीं डोनर से पैसा लेकर के सर्वाइवल मोड में बड़े प्रसन्न है, बड़े कंफर्टेबल जोन में, कंफर्ट जोन में है। देखिए अब जो अब फ्लड आया पाकिस्तान में वो तो मैंने कहीं पढ़ा था, वो कहते हैं बिब्लिकल प्रोपोर्शंस का था, यानी ऐसा फ्लड जो है वो तो कभी पहले देखा ही नहीं। और अभी भी वाटर लॉगिंग बहुत चल रही है तो उसका जो असर है वो दूर तक जाए। और पाकिस्तान की एक कृषि प्रधान देश है तो पाकिस्तान को जो मुश्किल है फ्लड की वजह से, उसमें कई डोनर चाहते हैं कि मदद करें, लेकिन उसके और आपने सही कहा, अब पाकिस्तान ये अजीब सी बात थी कि पाकिस्तान की लीडरशिप इस पे संतोष जता रही थी कि लोग समझते हैं कि वी आर स्टिल अ वायबल एंटिटी। यानी आप अगर मैं उसको कंपेयर करूं कि कोई कंपनी ये सोचे कि क्योंकि बैंक मुझे कर्ज देने को तैयार है इसलिए वो बैंक मुझ पर भरोसा कर रहा है, तो ये तो एक अजीब, वो अपने प्रॉफिट को नहीं देख रहे, कंपनी कह रही है कि मुझ पर भरोसा है इसी से मैं मुझे संतोष है। तो अब ये एक मानसिकता दिखाती है एक ऐसे देश की, और ये अफसोस ऐसे देश की जिसने भारत के साथ शत्रुता करके अपना जो पोटेंशियल था उसको ध्वस्त कर दिया। और जब तक ये पूर्ण रूप से अपनी मानसिकता बदलेंगे नहीं तब तक मुझे फ्यूचर नहीं दिखता। चीन इनकी कितनी मदद कर ले लेकिन मुझे फ्यूचर नहीं दिखता, क्योंकि इनका फ्यूचर इकोनॉमिक फ्यूचर जो है वो भारत से लिंक्ड बहुत कितने 75 साल से कोशिश इन्होंने की है कि भारत से डीलिंक करते लेकिन ये हो नहीं सकता। ज्योग्राफी का एक अपना लॉजिक होता है, उस लॉजिक से आप दूर कभी नहीं जा सकते। छोटा सा जैसे एग्जाम्पल मैं दू आपको, अब एक कोई छोटा सा प्रशांत महासागर में देश है वो चाहे कि साहब हम सुपर पावर बन जाएं, तो क्या ज्योग्राफी उसको परमिट करती? तो अपनी क्षमता को समझना चाहिए। और अफसोस यही है कि क्षमता इनकी बहुत है और अगर ठीक से रहे तो बहुत प्रॉस्परस देश बन सकता है, लेकिन मैं हिंदुस्तान के प्रति जो इनके एक ऑब्सेशन है उसी पे अगला सवाल लेके आ रहा था कि शहबाज शरीफ अरब कंट्रीज की फिर डोनेशन के ही चक्कर में यात्रा कर रहे थे, वहां उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने कहा कि भारत से 3 युद्ध में उन्होंने सबक सीख लिया है और पीस की बात की, उन्होंने यूएई को अपना मीडिएटर एक तरह से कहा कि आप आगे बढ़िए और हमारे बीच में वार्ता करवाइए। 24 घंटे भी नहीं बीते और उनके सुर बदल करके फिर वही कश्मीर 5 अगस्त 2019 के डिसीजंस का रिव्यू, जब तक वापस नहीं होंगे तब तक करेंगे। तो जो आप कह रहे थे सर, क्या इन्होंने अपने आप को दे हैव गॉट देमसेल्फ्स इनटू अ बाइंड कि अब कश्मीर को ये छोड़ नहीं सकते, कश्मीर इनको मिलेगा नहीं, आर्मी रेडिकलाइज हो चुकी है, इवन लोग उनकी जनता भी मुझे लगता है रेडिकलाइज हो चुकी है इस इंडिया एक फोबिया और मेनिया जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, इससे उबरना इनके बस में निकट भविष्य में नजर नहीं आ रहा है। देखिए इन्होंने इनकी जो बुनियादी मुश्किल है वो ये कि इन्होंने एक जनता के दिल में और दिमाग में ये भर दिया है कि भारत जो है वो हमेशा के लिए शत्रु, परमानेंट एनिमी। अगर आप इनके जो अंदरूनी दस्तावेज हैं उनको उठा के देखें,
कभी कभी वो मिल जाते हैं, इंटरनेट पे मिल जाते हैं और लोगों से मिल जाते हैं, उसमें साफ उनसे साफ जाहिर है कि ये दिखाते हैं कि ये परमानेंट एनमी। और अगर आपने एक नेबरिंग कंट्री को परमानेंट एनमी बना दिया और यहां तक डाल दिया दिलो दिमाग में कि ये परमानेंट एनमी है क्योंकि ये हिंदू हैं और इस्लाम और हिंदू धर्म में कभी भी एक प्रकार से एक बैलेंस नहीं हो सकता अचीव, तो फिर आगे बात ही क्या। और इससे सब फिर आगे चीज बढ़ती। हाँ, एक तबका है पाकिस्तान में जो ये सोचता है कि ये गलत कि कश्मीर है अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कश्मीर पर पाकिस्तान की बलि तो नहीं चढ़ सकती। लेकिन अधिकांश जो वहां का राजनीतिक वर्ग है, और मैं तो फौज को तो छोड़ ही दें, मैं अधिकांश जनता भी है, वो इस डाइट पर एक फेड है। यानी अगर अंग्रेजी में आप परमिट करें तो दे बीन ब्रॉट अप ऑन दिस डाइट ऑफ एंटी इंडिया एनिमोसिटी कि दीज पीपल आर आउट टू गेट अस, दे आर आर परमानेंट एनिमीज एंड देयरफॉर वी हैव टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान एंड नॉट ओनली प्रोटेक्ट पाकिस्तान, वी हैव टू सैक्रिफाइस फॉर पाकिस्तान। अब अगर इस तरह की किसी की थिंकिंग हो जाए, अब शहबाज शरीफ ने जो कहा वो क्या कहा, उसमें तो कुछ लोकल पॉलिटिक्स भी थी। उन्होंने जो चीज कही वो तो 1990 के दशक में जब मैं काम करता था तो नेतागण कहते ही रहते थे कि भाई आगे की तरफ देखो, अपने जो रिसोर्सेज हैं वो फौज में क्यों लगाएं, हथियार क्यों खरीदें, उनसे हम जनता की सेवा क्यों नहीं करें। अपनी जगह ये ठीक, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान ने ये भी कहा कि हमने शहबाज ने कहा कि मोहम्मद बिन जायद साहब जो मेरे भाई हैं और जो बहुत मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत मित्र हैं, उनसे कहें कि बीच बचाव करो। और उसमें एक है, एक ये बिलीफ है कि उन 2021 की जो सीज फायर हुई उसमें कोई फैसिलिटेशन रोल शायद मोहम्मद बिन जायद ने और मोहम्मद बिन सलमान के लोगों ने कुछ किया। लेकिन 2019 में जो कश्मीर में तब्दीली आई, उसके बाद से पाकिस्तान ने जो अपने आप को एक समझिए, they've caught themselves in a bind, जो अंग्रेजी में कहते कि ना इधर जा सकते ना उधर, कि उनका डिमांड यह है कि आप बदलिए, जो 2019 के फैसलों को रिवर्स करिए, इमरान खान ने कहा हुआ। अब शहबाज शरीफ ने एक तरफ तो कहा कि मैं मोदी जी से बैठ के बात करना चाहता हूँ, करने को तैयार हूँ, लेकिन उसमें ये नहीं, हाँ कश्मीर के बारे में बोले कि वो सब बंद कर, आप जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं वो बंद होने चाहिए, कश्मीर पे सीरियस टॉक होनी चाहिए, ये पुरानी चीजें कही। लेकिन ये नई चीज जो है कि 2019 के फैसलों को आप वापस लीजिए, ये उन्होंने नहीं कहा। तो लोग सोचने लगे, मैंने खुद जब ये पढ़ा तो मुझे हुआ कि क्या शहबाज शरीफ अपनी पाकिस्तान की नीति बदल रहे हैं भारत से बातचीत के निस्बत। लेकिन उनको फिर ये याद आया, उनके सलाहकारों ने कहा होगा, फौज ने कहा होगा, ये आपने क्या कह दी, हमारी जो पॉलिसी रही है अगस्त 2019 के बाद ये आपने बदल दी, तो 3.5 साल की पॉलिसी आपने बदल दी। तो फिर और उनके उनको चुनाव लड़ना, और इमरान खान एक की पॉपुलैरिटी कुछ हद तक तो है, अभी भी है, और पंजाब में है जो कि इनका किला, पीएमएलएन का और शहबाज शरीफ जो ब्रदरान है उनका किला है। तो आपने देखा कि फौरन रिट्रीट हो गया शहबाज का, और उसी इराक को फिर अलापने लगे कि हाँ मैं बात करूंगा लेकिन पहले फैसले बदलू। अब इस तरह से अगर उनका रवैया है तो फिर तो मुझे अच्छा लगा कि हमने तो इसको इग्नोर किया, हमने कोई टिप्पणी नहीं की। हाँ, काफी हमारे जो सामरिक हलका है उसमें थोड़ी सी हलचल मची, कुछ आर्टिकल्स लिखे गए, मैंने भी एक लिखा, लेकिन अब 2023 में तो मुझे लगता है कि कुछ आगे बढ़ना हिंदुस्तान पाकिस्तान में जरा मुश्किल ही है, क्योंकि उनको भी उन चुनाव
लड़ने हैं, हमारे भी 2024 में चुनाव आएंगे। इस वक्त हमारी डिप्लोमेसी का मेन बिंदु जो है वो है G20। तो उस सब को नजर में रखते हुए मुझे इस वक्त काफी ये कोई उम्मीद नहीं है कि भारत पाकिस्तान में कोई बातचीत होगी। और कश्मीर का जो एक इन पर क्या मैं कहूं, एक एक प्रकार से एक वो कहते हैं कि हमारे खून में है, हमारी रगों में दौड़ रहा है। तो अगर इस तरह से अगर कोई देश में मानसिकता बन जाए तो फिर लॉजिक और रीजन जो है वो चला जाता है नीति। सर इनके खून में एक और चीज दौड़ती है सर, स्ट्रेटेजिक डेप्थ खोजना अफगानिस्तान में अपने वेस्टर्न फ्रंटियर पे। जब से ये पाकिस्तान का जन्म हुआ एक तरह से, तब से स्ट्रेटेजिक डेप्थ खोजते रहे। तालिबान जो इनका प्रोटेजी है, उनके आने के बाद से इनको कहीं लगा कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो हमले बढ़ते रहे हैं, उसको लेकर के नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और तालिबान में भी तलखी बढ़ी है, उनमें एक डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। जब राणा सनाउल्लाह जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि हम बॉम्बिंग करेंगे और आर्मी रेड करेगी अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान के लोगों के खिलाफ, तो उनके प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अहमद यासीर, उन्होंने ट्वीट किया जहां उन्होंने पाकिस्तान जो 16 दिसंबर 1971 का सरेंडर था पाकिस्तानी आर्मी का, जनरल नियाजी का बांग्लादेश में, उसकी फोटो को ट्वीट करते हुए कि हम इसको दोहरा देंगे। तो इस तरह का मुझे लगता है किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था तालिबान की तरफ से रिएक्शन। मतलब तालिबान अपने सिर्फ नाखून दिखा नहीं रहा, नाखून से वो मुंह नोचने को भी तैयार नजर आ रहा है जिसको कहा जाए। तो सर ऐसा है कि इनके रिश्ते सही में बिगड़ते चले जा रहे हैं आपके हिसाब से, या फिर से जो पाकिस्तान का एक पुराना ढर्रा रहा है कि वेस्ट को दिखाना कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और कुछ एड लेना, उसके लिए एक शैडो बॉक्सिंग हो रही है? देखिए, मैंने फरवरी 2017 में अपने एक आर्टिकल में पहली बार ये राय व्यक्त की थी कि भारत को तालिबान से बात करें। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि तालिबान पाकिस्तान पर बहुत निर्भर है और एक कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट। मैं ये भी देख रहा था कि अफगान रिपब्लिक जो है वो कमजोर होती जा रही है। और ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये सूरत हाल मैंने देखी थी कि अमेरिका इस तरह रिट्रीट कर जाएगा या, लेकिन जो सूरत बन रही थी उससे मुझे लग रहा था कि तालिबान से बातचीत करनी फायदेमंद होगी हमारे इंटरेस्ट में। दुनिया भी बात करने लगी थी तो हम क्यों नहीं कर। इसके पीछे मेरा एक हमेशा से विश्वास रहा, क्योंकि अफगानिस्तान से कुछ थोड़ा बहुत डील मैंने किया, इसलिए वो विश्वास जो था वो थोड़ा मजबूत हुआ। वो ये कि कोई भी ग्रुप और कोई देश हितों से अलग नहीं। एक सिचुएशन होती है जबकि एक ग्रुप जैसे तालिबान और पाकिस्तान को देखें, जबकि तालिबान पूर्ण रूप से निर्भर है। एक और सिचुएशन हो जाती है जब काबुल में वो गवर्नमेंट बना ले तालिबान और फिर अफगानिस्तान पर कंट्रोल उनका हो जाए। तो निर्भर तो रहेंगे लेकिन जो निर्भरता की सीमा है वो सुकड़ती जाए। और अगर प्रेशर ज्यादा डाले जैसे पाकिस्तान ने डाला तो वो भी फिर आंख दिखाते हैं, वो कहते हैं ये कबूल नहीं है क्योंकि वो सिचुएशन अब नहीं। तो आज की क्या सिचुएशन? आज की ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान अगर उनसे ये कहे कि भारत से संबंध मत रखिए तो तालिबान ने उसका जवाब दिया कि नहीं, हम भारत से संबंध रखेंगे। हाँ, हम ये जरूर आपको आश्वासन देते हैं कि भारत हमारी सरजमी से आप पर कोई हमला नहीं कर पाएगा या कोई षड्यंत्र नहीं कर पाएगा, लेकिन ये मत कहिए हमसे कि भारत से संबंध ही नहीं कर। पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने ये पाकिस्तान को इशारा दिया
कि हाँ हमारी फैमिलीज भी हैं पाकिस्तान में, हम अभी तक हम आप पर निर्भर हैं, इंपोर्ट आपके जरिए रसद आती है, हमारी रूट है, आप हम लैंडलॉक्ड हैं, वहां से सामान आता है, हमारी प्रॉपर्टीज हैं, उनके लीडरान की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये एक तरफा नहीं है, हमारे पास भी कार्ड्स हैं, और कार्ड हमारे पास क्या है, TTP है। अगर आप सोचते हैं कि आप हम पर पूर्ण रूप से हावी हो जाएंगे और हम बिल्कुल निहत्ते हैं, तो ये मत समझिए, हमारे पास भी क्षमता है, हम भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये खेल जो चल रहा है ये चलता जाता है। अभी राणा सनाउल्ला अगर बोलेंगे तो वहां से जवाब यही आएगा। और फिर एक आखिरी चीज याद रखिए कि पठानों के बीच, और पठान जिनको पंजाबी कहते हैं, उनके बीच में एक 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 प्रकार की हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहा है, और उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, और वो चलता जाता है, वो हिस्टोरिकल मेमोरी में बस जाता है। तो अफगान जो है वो जैसे अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन रेंट एन अफगान, यू कैन नेवर ओन हिम। जब तक इंटरेस्ट मिलते हैं तब तक ठीक है, जब इंटरेस्ट नहीं मिलते तो फिर हम अपने हितों को देखें, आप अपने हितों को देखें, और अगर उसमें क्लैश होगा तो फिर हो। तो अब मुझे लगता है कि ये शैडो बॉक्सिंग नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात तो छोड़ दीजिए, ये शैडो बॉक्सिंग नहीं है। और अगर हम अपने पत्ते ठीक से खेलें अफगानिस्तान, और जो संकोच अभी भी हमारे वहां है अफगानिस्तान के प्रति, और वो संकोच दिखता है वीजा पॉलिसी, इस वक्त हम हमारी वीजा पॉलिसी अफगानिस्तान के प्रति तो ऐसी हो गई है कि वहां से स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ते थे, जो मिड कोर्स कर रहे थे, वो भी नहीं आ पा रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म के लिए, मेडिकल टूरिज्म क्या, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग आते थे वो नहीं आ पा रहे हैं। तो हमें अपने वीजा पॉलिसी में कुछ लोच अब लानी जरूरी है। सर इसी सिक्योरिटी तो अपनी जगह है, वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी लोच लानी जरूरी। सर TTP की बात कर रहे थे हम लोग, पठानों की बात कर रहे थे, एक पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट है, काफी दिनों से चल रहा है पश्तूनों के हकों के लिए, और पाकिस्तान गवर्नमेंट उससे बात नहीं करती, उनके लीडर्स को जेल में डाला हुआ है। दूसरा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो सिर्फ हथियार से बात करता है। अभी कुछ दिन पहले एक काउंटर टेररिज्म सेंटर की पूरे उन्होंने उनके यूनिट को ही हॉस्टेज बना के रखा, बन्नू में हुआ था। और आपकी बात से और जो पढ़ा लिखा इस विषय पे, उस पे से लगता है कि जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान अपने लिए खोज रहा था, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है अफगानिस्तान में। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिनके जो काफी वायलेंट एक मूवमेंट है सर, काफी वायलेंट इनके एक्शंस होते हैं, ये पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए एक कितना बड़ा खतरा बन के उभर रहा है? देखिए, पाकिस्तान की फौज में ये कुव्वत है कि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है उसको वो मेंटेन करके, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अब पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, हमारे पास हैं, चीन के पास हैं, पाकिस्तान के पास हैं, और हमारा जो स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स है उसमें इसको या इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके माने ये नहीं कि ये कि इससे हम पैरालाइज हो जाए, ये नहीं। दूसरी चीज रही, अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मिनिमम डिमांड क्या, वो ये है कि जो कदम पाकिस्तान स्टेट ने उठाए फाटा, वो फेडरली एडमिनिस्टर्ड टेरिटोरियल एरियाज जो है उसमें, वो आप वापस, ये कदम जो पाकिस्तान सरकार ने उठाए, जिसको वो अमेलगमेट कर दिया फाटा को उन्होंने केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि NWFP कहलाता था, ये एक हिस्टोरिक कदम। क्योंकि मैंने सोचा और इस पे लिखा भी था मैंने कि अभी तक कोई भी इंपीरियल पावर
इस एरिया को अमेलगमेट नहीं कर पाई और ना ही किसी ने सोचा इनको सेमी इंडिपेंडेंट रहने दी, चाहे आप अफगान हुकूमतों को देख लें, चाहे आप अंग्रेज हुकूमत को देख लें, या हिस्टोरिकली आप मुगल हुकूमत को देख, किसी ने ये नहीं करा, लेकिन इन्होंने किया है। और इसकी मुखालफत वहां काफी, इस पे रोष बहुत है, क्योंकि फाटा के लोग समझते हैं कि इससे हमारी भलाई नहीं होगी, क्योंकि जो रीति रिवाज है उनके, जिस तरह के कानून पाकिस्तान में और जगह लागू हैं। एक बहुत सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल ने मुझसे कहा, जिन्होंने अपना जीवन बिताया सिविल सर्विस में इन एरियाज में, उसने कहा कि यार, ऐसे ही कहा मुझसे कि यार, जो फैसले, जैसे मुकदमे हैं जिनके फैसले हम मिनटों में कर लेते थे, अब वो पुश्त दर पुश्त चलेंगे, जैसे और इलाकों में, जैसे तुम्हारे वहां शरिया भी लागू करते हैं सर, वो शरिया का भी शायद, शरिया भी लागू नहीं। देखिए, उनका वहां पर एक प्रकार से उथल पुथल चल रही है शरिया के बाद, जो एक ट्रेडिशनल पैटर्न था अफगान इस्लाम का, पठान इस्लाम का, उसमें परिवर्तन आया। उसमें जो अरब इस्लाम वहाबी जो टेंडेंसीज है वो इंट्रोड्यूस हो गए। अब क्या ये परमानेंट है, इस पे कहना मुझे मुश्किल लग रहा है, मेरे मन में प्रश्न चिन्ह, क्योंकि ये चीजें भी, जो इस्लामिक थियोलॉजी जो है वो भी बदलती रहती। एक एक ट्रेडिशन हमेशा एक नहीं रहता है, तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि एक प्रकार से टीटीपी जो है वो ट्रेडिशनली तो दियोबंदी थी, लेकिन दियोबंदियों में भी एक एक हार्डनेस है, लेकिन दियोबंदियों में और वहाबियों में काफी फर्क भी। अब वो ये इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में जाना, तो अब जो शारिया की मांग कर रहे हैं वो कि शारिया लागू करें, वो आज तो कर रहे हैं, लेकिन जब शारिया और पख्तून वली में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तब क्या वो प्रेफर करेंगे, इस वक्त कहना मुश्किल। तो आई थिंक दिस इज अ सिचुएशन व्हिच विल इवॉल्व इन टाइम। सर, जैसे इवॉल्व करती रहेगी हम आपको, आपके पास आते रहेंगे सर, आपसे बात करते आपसे बात करते रहेंगे सर, जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे, हमारी ऑडियंस भी सीखती रहती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ा अच्छा लगता है मयंक आपसे बात करना। आप, मैं क्या कहूं कि आपसे जब बात होती है तो बड़ी सीरियस बात होती है। हम लोग जो बात करते हैं वो बुनियादी मसलों पे बात करते हैं। इंफॉर्मेशन जो करंट है उसमें तो बात करना आसान है, उसमें तो ये हुआ ये हुआ ये हुआ, लेकिन मुझे हमेशा लगता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे और लगता है कि हमारी जो जो सामरिक वर्ग है, वो जो राजनीतिक वर्ग है, अब उसको बुनियादी मसलों पर सोचने की जरूरत है। जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है उस शब्द का तात्पर्य क्या है, हमारे लिए रेलेवेंस क्या है, मुझे लगता है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपके प्रोग्राम में जो मैं देखता हूँ, जो आप कई प्रोग्राम, आप अब मैं तो क्या विद्वान, लेकिन आप और विद्वान, आप विद्वानों से करते हैं, उसमें मुझे अच्छा यही लगता है कि आप जो प्रश्न उठाते हैं वो, और जो अपनी जिस जिस शैली में आप प्रश्न उठाते हैं उससे बुनियादी मसले सामने आने लगते हैं, और फिर जो फंडामेंटल्स पे बात होती है जो कि जरूरी, और शायद आप ही का एक प्रोग्राम है जहां पर इतनी देर तक आसान बड़ी बड़ी फ्लुएंसी के साथ और टाइम के साथ इस पर बातचीत हो पाती, और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे छात्र हैं और जो जो इन मामलों में दिलचस्पी लेते हैं, मुझे तो लगता है उनके उनको आपके प्रोग्राम को देखना चाहिए। थैंक यू सर, इसी विश्वास के साथ कि लोगों को कुछ हम अपनी बातें कुछ पहुंचा सकें सर, कुछ सीख सकें, कुछ सिखा सकें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए सर। धन्यवाद।